नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, अगले माह शुरू होगी एनएम की काउंसलिंग 32,000 को मौका। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं, जो अगले माह कब से काउंसलिंग शुरू होगी और 32,000 स्टूडेंट कौन स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बी टी सी एन एम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भर है और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। सुबह में जो मॉर्निंग में हम वीडियो बनाए थे उसमें भी बताए थे जो 2018 के नियमावली पर अब यह वैकेंसी क्लियर होगा, और पहले जो 2022 में टोटल 49,000 स्टूडेंट था जिसमें 32,000 के स्क्रूटनी में नाम आया, वही 32,000 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। बाकी 2023 में जो दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया गया था, किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम लोग बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है, अगले माह शुरू होगी एनएम की काउंसलिंग 32,000 को मौका, क्योंकि अगले माह इसलिए शुरू होगी, अब जगह भी डिसाइड किया जाएगा और लगभग डेढ़ महीना आपको काउंसलिंग चलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे आज का न्यूज है, पटना एनएम की काउंसलिंग अगले माह शुरू होगी, इसके लिए आवेदकों की मेधा सूची तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। 10,709 पदों के लिए 49,000, देख लीजिए हम बोले तो 49,983 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये पिछले रिकॉर्ड, अब जो अब तो ये नया रिकॉर्ड खत्म हो गया, तो पिछले रिकॉर्ड के बारे में बातचीत होगी। देख लीजिए यहाँ पे 49,983 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 32,000 को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो मेधा सूची बन चुकी है और इसे दोबारा वेरीफाई की जा रही है। चलिए आगे देख लीजिए, और इसे दोबारा वेरीफाई की जा रही है, इस माह के अंत तक उसे जारी कर दिया जाएगा। और अनुक्रमा देख लीजिए, अनुक्रमांकवार उनके विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल के प्रकाशन की भी संभावना है। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ज्ञान भवन जैसे किसी बड़ी सार्वजनिक जगह पर इसे आयोजित करने पर विचार हो रहा है। काउंसलिंग पूरा होने में 2 महीने से अधिक का समय लगेगा, अगस्त या सितंबर में अंतिम रिजल्ट आने की संभावना। हम आपको पहले ही भी बोले थे जो अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और आज का न्यूज़ देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यही आप लोग जानकारी लेना चाह रहे थे, यही आप लोग बार बार पूछ रहे थे सर इस लोग को फिर से जो है। अब देखिए हम बताते हैं, जिसको काउंसलिंग इस बार अभी हो गया है तो विभाग ये भी चाहेगा, ये भी अभी विभाग चाहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, जो क्योंकि अभी बीच में आपको भी पता है जो लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव अभी है तो उसमें काउंसलिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसमें अभी समय लगने वाला है, लगभग 2 महीना, अभी मार्चे चल रहा है, अभी देख रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें लगभग 2 महीना का समय लगेगा, और बीच में आपको लोकसभा चुनाव भी है। तो 32,000 स्टूडेंट को वही उसी को मौका दिया जाएगा, जो टोटल 49,000 हम पहले बता दिए थे, जो पिछला 2018 के नियमावली पर वैकेंसी जारी किया जाएगा, और टोटल 49,983 स्टूडेंट टोटल आवेदन किया था, जिसमें आपको जो है 32,000 काटकोट के है स्कूटनी में 32,000 स्टूडेंट का नाम आया था, यही 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग होगा। और ज्ञान भवन पटना जैसे जो सार्वजनिक जगह है वहीं पर आपको काउंसलिंग होगा, 2 महीना प्लस इससे पहले से ही काउंसलिंग चलने वाला है, इससे कम आपको काउंसलिंग नहीं चलेगा, क्योंकि 32,000 स्टूडेंट है, ठीक है। और बीच में लोकसभा चुनाव है तो सबको देखते हुए इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा लगेगा आपको जो है जल्द ही आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग करवाने में समय लगता है, उसके बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है जो लोकसभा चुनाव में आपका काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है काउंसलिंग नहीं होगा, तो सब कुछ देखते हुए ही, तो इसमें टाइम लगभग 2 महीना लगेगा, ऐसा नहीं है। अब वैसे भी अभी अप्रैल तक बोला है, जो अप्रैल तक आप क्लियर कीजिए, पटना हाईकोर्ट बोल दिया है अप्रैल तक आप जो है वैकेंसी को क्लियर कीजिए, हर चीज़ कीजिए। तो देखिए क्या कुछ आगे अभी अब बी टी सी आयोग करता है, अब तो बी टी सी आयोग ही करेगा हर चीज़। अब देखिए नोटिस ऑफिशियल साइट पर कब देता है, और आज सुरजीत जी जो है हार्ड कॉपी आज जाएंगे जो आयोग को देने के लिए, सुरजीत जी हार्ड कॉपी, और फैक्स और ईमेल तो कल ही चला गया आयोग को, फैक्स और ईमेल तो कल ही चला गया, ठीक है। और आज जो है सुरजीत जी हार्ड कॉपी लेके
आयोग को सौंपेंगे और आयोग के आज देंगे। सुरजीत जी जाएंगे और आज आयोग बीटीसी आयोग आज जाएंगे और उनको हार्ड कॉपी देंगे। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट निकल के आ रही थी जो आपके मन में चल रहा था बार बार, सर कितना स्टूडेंट के काउंसलिंग में नाम आएगा, कब काउंसलिंग होगा, हर चीज होगा, तो हम आपको बता चुके हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी जस्ट अभी 5 मिनट पर लाइव आएंगे तो हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। थैंक यू।